संदीप वोरा जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लेवल तक या जिन्हें एग्जाम कंडक्ट कराना है सिर्फ उस सिस्टम तक ये बातचीत खत्म होती है। सवाल तो अभिभावकों का भी है। जब लगातार आप खबरों में इस तरह का माहौल देख रहे हैं, अभी भी देखिए बीते 24 घंटे में 4,500 लोगों की मौत हुई है देश भर में, तो ऐसे में एक अभिभावक कितने मजबूत मन से अपने बच्चे को परीक्षा के लिए भेज पाएगा? देखिए, अगर आप मेरे से पूछें तो कोई भी अभिभावक बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा इस तरह के एग्जाम के लिए जाए। अभी मेरे से पूछने से पहले हमारे बाकी पैनलिस्ट बोल रहे थे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लेकर हम बैठ सकते हैं। आप ही मुझे बताइए, कोरोना वायरस जो कि एरोसोल के अलावा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी स्प्रेड करता है और बोला जा रहा है कि 10 मीटर तक जा सकता है, तो कौन सी क्लासरूम में आप 10 मीटर के दूर पर आप बच्चों को बिठाएंगे? बिल्कुल आज की डेट में पॉसिबल नहीं है कहीं से भी। अगर आप सेफ्टी चाहते हैं बच्चों की, आज की डेट में अगर आप सेफ्टी के हिसाब से चलते हैं तो कोरोना से आप कोई बच्चे को बचाने की गारंटी नहीं ले सकता। आपको अगर करना है एग्जाम तो वो 2 या 3 कंडीशन में हो सकता है। एक, आपको बच्चों को, टीचर्स को, जितने लोग एग्जाम्स में इन्वॉल्व है उन सबको वैक्सीनेशन करना होगा। सेकेंड, किसी वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो सकता तो अगर प्रैक्टिकली वायबल और इंप्लीमेंटेबल है तो ऑनलाइन मैकेनिज्म ही एक माध्यम है। अदरवाइज इस स्टेज पे करना या किसी पेरेंट को कहना अपने बच्चे को भेजो तो वो बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से चैलेंजिंग है। उसके अलावा मान लीजिए किसी पेरेंट ने भेजा एंड गॉड फॉरबिड ये जो स्टूडेंट्स बच्चों को हम क्लास में बिठा रहे हैं, ये कहना कि सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं बनेगा ये भी गलत है, क्योंकि इसके बनने के चांसेस हैं। जो सेकेंड वेव आई है उसमें कहीं पर भी ये चीज पुराना जो फर्स्ट वेव थी सेकेंड वेव में बहुत फर्क है, तो उसको देखते हुए आपको हर तरीके से अगर बच्चों के लिए इंश्योर करना है सेफ्टी तो डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। मेंटल हेल्थ की अगर आप बात करते हैं तो बच्चे खुद इतने प्रेशर में हैं, वो खुद ही बेचारे परेशान हैं, उसके बाद पेरेंट्स का प्रेशर अलग है। तो मेरे हिसाब से जितना आप गवर्नमेंट्स हो चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, जितना पॉजिटिवली आप पेरेंट्स को या बच्चों को आप बताएंगे कि आप केयर कर रहे हैं और ये तरीके हैं, तभी पॉसिबल हो पाएगा सोचना। अदरवाइज बिल्कुल एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। अब शांतनु प्रकाश जी, देखिए अलग अलग जो रिएक्शन हमें मिल रहे हैं और कितना चुनौतीपूर्ण ये समय है। अब ये बात हो रही है कि टीचर्स को और बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए, उसके बाद एग्जाम्स के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन की कमी की जो खबरें अलग अलग राज्यों से आ रही है वो भी एक तरफ है। कई जगह तो 18+ 45+ के लिए वैक्सीनेशन रोकना तक पड़ा है। हमारे विदेश मंत्री इस वक्त अमेरिका में है ताकि भारत में और वैक्सीन लाए जाने को लेकर प्रयास हो सके। तो अभी भी जो चैलेंजिंग समय है वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं दूसरे नजरिए से, तो अगर 12th के बच्चों के एग्जाम नहीं होते तो फिर भविष्य की राह उनके लिए कैसे तय होगी? जी मैम, आई थिंक बहुत ही ज्यादा अहम सवाल है, लेकिन हमें इसको एक डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए। तो एक तरफ से बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी हैं, बहुत सारा संकट है, वैक्सीनेशन का इशू है, सुपर स्प्रेडर बन सकता है। आप जितना भी कंट्रोल कर लें, क्या ये मुमकिन है कि इंडिया में 3 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं, सारे गवर्नमेंट स्कूल मिला के 10 लाख स्कूल हैं, हर जगह ये बिल्कुल 100/100 ये परफेक्ट जाएगा? नहीं जाएगा। तो एक भी स्टूडेंट को अगर हम इस टाइप के रिस्क से एक्सपोज करें तो मेरे हिसाब से वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन क्या हो सकता है, इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? पहले बात हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो बोर्ड्स एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में इतना अहम क्यों बन गया कि सारा ही फोकस पूरे देश का, पेरेंट्स का, सारे एक सिंगल बोर्ड एग्जाम के ऊपर है? यस, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम एग्जाम्स ना करें तो लाखों करोड़ों बच्चों का एक साल जाया होगा, वो भी हम नहीं चाहते हैं। जैसे कि मेरे एक फेलो पैनलिस्ट ने कहा, इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। पहली बात, सारे एग्जाम्स ऑनलाइन करिए। जब आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, IIT का एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, तो क्या 12th क्लास का एग्जाम ऑनलाइन नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है। हमें एक डिफरेंट सोच की जरूरत है इसमें। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ये नहीं है कि एग्जाम होना है, प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम स्कूल के कैंपस के अंदर होना है। किसने कहा है कि स्कूल के कैंपस के अंदर होना है? लेकिन जो लोग कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर चीटिंग हो जाएगी, प्रॉक्टरिंग हो जाएगी, वेल, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये चुनौती है जो एग्जाम सेट कर रहे हैं कि इस टाइप का एग्जामिनेशन पेपर सेट करें जिसकी आप सिर्फ टेक्स्ट बुक खोल के कॉपी करके आंसर ना कर पाए। कई सालों से हम एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करें कि इसमें एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चंस होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिसमें क्रिएटिविटी हो, सोचने का,
क्या उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम पूरे अपनी एग्जामिनेशन पद्धति को एक अलग तरीके से देखें और इस मौके का फायदा उठा के एक डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम एंड असेसमेंट सिस्टम इस इंडिया में हम लेके आए, तो हमें सोचने का शांतनु तो जी, दायरा लेकिन है क्या आपको क्या लगता है, आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत आगे की बात है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि ये जितना कम समय बचा है परीक्षाओं के लिए, उतने समय में हम ये सिस्टम डेवलप कर सकते हैं? इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी भी एमबीए कॉलेज में चले जाइए, इसी टाइप के सवाल होते हैं, कहीं और दुनिया में चले जाइए। अभी भी हम वो ब्रिटिश सिस्टम को, रोट लर्निंग जिसको हम कहते हैं, रट्टा मारने वाली पद्धति, उसको लेके बैठे हैं। ये आप अपने, हमारे इतने बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन रिसर्चर्स हैं, हर स्कूल में हैं, हर यूनिवर्सिटी में, ये तो 1 महीने के, आइए 1 हफ्ते में हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी तो मेरा मानना जी ये है, एग्जामिनेशंस करिए, स्कूल के अंदर मत करिए, कंप्यूटर के सामने करिए। और अगर मान लीजिए कुछ बच्चों ने एग्जामिनेशन सिस्टम, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, गेम कर दिया, दो दो सवाल उनके पेरेंट्स ने पीछे से उनको प्रॉम्प्ट कर दिया, तो ऐसी कौन सी बड़ी इशू हो जाएगी हमारे सिस्टम के अंदर? मेरे ख्याल से रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग द चिल्ड्रन टू द वायरस इज फार मोर।